HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई UDAN या क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी स्कीम RCS ने गुरुवार को कनेक्टिविटी और सामर्थ्य के दो लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। यह शिमला, कदप्पा, नांदेड़, भावनगर, भटिंडा, ग्वालियर, दुर्गापुर और जैसलमेर जैसे छोटे शहरों को बड़ा शहरों से जोड़ने का प्रयास करता है। इस योजना में एक फिक्स विंग विमान पर 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा के लिए हवाई जहाज का विमान 2500 रुपए में किद करके एक सब्सिडी घटक भी है। यह 27 वर्तमान में पेश किए गए हवाई अड्डों, 12 अधोवार्थित हवाई अड्डों और 31 नासा बंद हवाई अड्डों को जोड़ता है, जिनमें से 24 हवाई अड्डे पश्चिम में हैं, उत्तर में 17, दक्षिण में 11, पूर्व में 12 और उत्तर पूर्व में हैं। यह एक प्रभावशाली भौगोलिक प्रसार है। अगर योजना सफल होती है तो नागरिक उड्डयन अंतरराष्ट्रीय पर रेल और सड़क संपर्क के साथ पकड़ने में सफल होगा। हालांकि इस योजना में बहुत सारे लोग नहीं मिले हैं। एयर इंडिया के अलावा, जो असीमीय मार्गों को चलाने में सरकार का पसंदीदा कामकाज है, केवल स्पाइस जेट ने स्थापित निजी वाहक के बीच हस्ताक्षर किए हैं। तीन अन्य वाहक एयर डेकन, एयर ओडिशा और टर्बो मेघा छोटे खिलाड़ी हैं। जबकि यात्रियों को कम दरों से उत्साहित किया जा सकता है। इस योजना को व्यवहार्यता अंतर फंडिंग VGF द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जिसमें हवाई किरायों पर सेस, उत्पाद शुल्क और सेवा कर में कमी और अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं। केंद्र ने मूल रूप से 80% VGF का योगदान करने का प्रस्ताव रखा था और शेष 20% बताते हैं। लेकिन VGF केवल 3 साल के लिए है और यह संभव नहीं है कि इन छोटे हवाई अड्डों को सेवाएं इतनी कम अवधि में स्वस्थायी बनेंगी। लंबी अवधि के लिए VGF को पेश करने की नीति प्रतिबद्धता के बिना यह समझ में आता है कि बड़ी निजी एयरलाइनों ने UNN से बाहर रहने के लिए क्यों चुना है। फिर भी यात्रियों की प्रतिक्रिया योजना के भाग्य का निर्धारण करेगा। यात्रियों के उच्च भार के साथ दोनों एयरलाइनों और सरकार को इस योजना के पाठ्यक्रम में रहने के लिए राजी किया जा सकता है।